और अब आपको दिखाते हैं ऑल वॉर फ्रंट टॉप नाइन। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड से एक विध्वंसक वीडियो सामने आया है जहां पर एक रूसी इन्फेंट्री वैन यूक्रेनी सैनिकों के बिछाए माइन की चपेट में आ गई। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में रूसी सैनिक धमाके के बाद भागते हुए नजर आए। यूक्रेनी फौज ने अमेरिका से मिले हिमार्स मिसाइल से क्रीमिया पर जबरदस्त हमला किया है और ज़ैनखोई में रूसी हथियार डिपो को निशाना बनाया। यूक्रेन के हमले में रूसी हथियारों का जखीरा तबाह हो गया। ज़ापोरिज़्या में रूस और यूक्रेन आर्मी के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। इस बीच रूसी अधिकारी व्लादिमीर रोगोव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेनी सेना होविट्सर से न्यूक्लियर प्लांट पर गोलीबारी कर रही है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले को लेकर रूस ने बड़ा दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्री सरगई शोइगु की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। यूक्रेन में रूस न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। अमेरिका को लेकर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ा आरोप लगाया। पुतिन ने साफ कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को अमेरिका जानबूझकर भड़का रहा है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन से युद्ध लंबा खींचे। रूसी रक्षा मंत्री सरगई ने यह भी कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन की बदौलत यूक्रेन जंग लड़ रहा है। रूस के साथ जारी भीषण युद्ध की वजह से यूक्रेन ने बड़ा फैसला लिया है। अब ड्रोन आर्मी बनाने के लिए यूक्रेन ने प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। ड्रोन आर्मी के लिए यूक्रेन ने $71 लाख की डील को भी साइन किया है। यूक्रेन ने 200 यूएवी बनाने के लिए प्रोजेक्ट को तैयार किया है। रूस के नेवल ठिकानों की जासूसी करने पहुंचे ब्रिटिश प्लेन को रूस ने खदेड़ दिया। रूस का दावा है कि ब्रिटिश प्लेन RC-135 रूसी नेवी के बड़े बेस के नजदीक दिखा। रूसी सेना ने ब्रिटिश प्लेन को MiG-31 से खदेड़ दिया। यूक्रेन से जारी जंग और ग्लोबल टेंशन के बीच रूस अपने सहयोगियों को मॉडर्न वेपन से लैस करेगा। आर्मी 2022 फोरम के उद्घाटन के मौके पर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात का ऐलान किया कि रूस सहयोगी देशों को हथियार और ड्रोन सप्लाई करेगा। पुतिन ने लैटिन अमेरिकी देशों, एशिया और अफ्रीका से संबंधों पर भी जोर दिया। चीन और उत्तर कोरिया से मिल रही चुनौती के बीच अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ने साझा युद्धाभ्यास किया है। हवाई में तीनों देशों ने एंटी मिसाइल ड्रिल की है। 2012 के बाद हर 2 साल में अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ऐसा कॉम्पैक्ट ड्रिल करते हैं।